पिछले एक वर्ष में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री जयपाल रेड्डी ने तमिल भाषा में लिखित उनकी जीवनी का विमोचन किया है। पेट्रोलियम एवं पंचायत राज के मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा हाल ही में अंग्रेजी भाषा में लिखित उनकी जीवनी का विमोचन हुआ है। यह सब तमिल सिने जगत के क्रांतिकारी व पितामह जैसे श्री के सुब्रमण्यम की जन्म शताब्दी के सुअवसर पर उनके सम्मान में किया गया है। उस महान एवं अग्रगामी फिल्मकार श्री के सुब्रमण्यम की स्मृति को संजोए रखने के लिए उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर एस कृष्णस्वामी द्वारा निर्देशित प्रस्तुत है यह हिंदी टेलीफिल्म त्याग भूमि। प्रस्तुत है हिंदी टेलीफिल्म त्यागभूमि, जो आज़ादी के पहले नारी स्वतंत्रता को लेकर बनाई हुई प्रसिद्ध तमिल फिल्म त्यागभूमि पर आधारित है। सन 1939 में इस फिल्म का तमिल रूप पहली बार प्रदर्शित हुआ। अंग्रेज सरकार ने चंद हफ्तों बाद ही इस पर रोक लगा दी, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसी पुकार थी जो देश की जनता को गुलामी की नींद से जगा सकती थी। यह फिल्म जब्त हो गई, लेकिन स्वतंत्रता हमारी जब्त न हो सकी। मिलिए इस फिल्म के निर्देशक डॉक्टर एस कृष्णस्वामी से। ड्यूरिंग आवर रिसर्च फॉर अ बुक टाइटल्ड इंडियन फिल्म, प्रोफेसर एरिक बार्नाउ एंड आई रीडिस्कवर्ड द तमिल क्लासिक त्यागभूमि। आई डेडिकेट दिस न्यू टेली फिल्म टू द मेमोरी ऑफ द पायनियर के सुब्रमण्यम, हु प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड द ओरिजिनल वर्जन हाफ अ सेंचुरी अगो। Although he suffered a lot due to the government ban on the film, he continued his undiluted commitment to the cause of freedom. This is a three-way dedication. A film historian paying tribute to a pioneer filmmaker, a citizen of free India paying homage to a freedom fighter, a son offering oblations to his father. With humility and pride, I dedicate this new version to the memory of my father, director K. Subramanyam. Maya mori main nahi makhan khayo, main balak bahiyan ko choto chiko kahi vidhi payo, main balak बहियन को चोटो चीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपठायो, बर बस मुख लपठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तू जननी मन की अति बोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु बेद उपजी है, जानी परायो जाए, यह ले अपनी
लकुटिकमरिया बहुत ही नाच नचायो। यह ले अपने लकुटिकमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जशोदा, सूरदास तब बिहसी जशोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास तब बिहसी जशोदा, ले उर कंठ लगायो। साइलेंस, क्या शोर मचा रखा है, हल्ला गुल्ला बंद। What is this? क्या है इसमें? आओ मेरे कमरे में। एक तुम्हारी शैतानी की वजह से सारे बच्चों का डिसिप्लिन बिगड़ रहा है। कौन है तुम्हारा गार्डियन? शंभू शास्त्री। वो तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं, दादा है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं। और तुम्हारी अम्मा? मेरी अम्मा भी नहीं हैं। कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप? वो पैदा ही नहीं हुए, मैं अकेले पैदा हुई। अच्छा, तो बिना माँ बाप के पली बच्ची हो, इसीलिए इतनी बदतमीजी कर रही हो। बड़ा हाथ। टीचर, मैंने अपने आप डांस नहीं किया टीचर, इन सब ने बोला इसीलिए मैंने डांस किया टीचर। कौन झांक रहा है वहां से? इसमें क्या है, खोलो इसे। तो साथ में खेलने के लिए इस कुत्ते को भी ले आए? मेरे चिल्ली को मत मारिए टीचर, प्लीज टीचर। सब कहते हैं इसकी सूरत आपसे बिल्कुल मिलती है टीचर, फिर भी आपको इस पर दया नहीं आती टीचर। लाओ इसे। प्लीज टीचर, चिल्ली को मत मारिए टीचर। चिल्ली, 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 चिल्ली। किसने कहा कि मेरा मुंह इस कुत्ते से मिलता है? लूसी, तुमने सारे वार्ड्स की जांच कर ली ना, सब साफ है? यस डॉक्टर, परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर, सुना है उमा रानी जी ने हमारे अस्पताल के लिए 1,00,000 रुपए डोनेशन दिया है। बिल्कुल सही सुना है, और अब की बार उससे ज्यादा भी मिलने की उम्मीद है। ये भी सुना है कि समाज सेवा में उनकी बहुत दिलचस्पी है। हाँ हाँ, सोशल सर्विस में उनकी बहुत दिलचस्पी है। ना जाने कितनी संस्थाएं उनके दान धर्म पे चलती हैं। लूसी, तुमने सारे पेशेंट को समझा दिया ना कि वो हंसी खुशी बात करें और किसी किस्म की शिकायत ना करें? हाँ डॉक्टर, सबको ठीक से समझा दिया है। तो फूल माला वगैरह सब मंगवा लो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या बात है? नीचे गिर गई डॉक्टर, लगता है हड्डी टूट गई। नाम? जिल्ली। उम्र? 9 महीने। बकवास बंद करो और उम्र बताओ। बकवास नहीं कर रही हूँ, सच में डॉक्टर 9 महीने ही हुए। पिताजी क्या काम करते हैं? डॉक्टर आप तो मजाक कर रही हैं, जिल्ली को पिताजी थोड़े हो सकते हैं। ये अस्पताल है, मजाक मत करो। डॉक्टर को ठीक ठीक जवाब दोगी तो जल्दी अच्छी हो जाओगी। मुँह खोलो। लूसी, इस लड़की को बेड नंबर 63 पे ले जाओ और सर्जन से कहो कि एग्जामिन करे। इस कुत्ते को बाहर छोड़ो। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर। इसी का नाम जिल्ली है डॉक्टर, जो चोट इसी को लगी है।
कुछ दवाई दीजिए डॉक्टर। छी, हटाओ इसे, ये कोई जानवरों का अस्पताल है। नहीं डॉक्टर, पर इसे कुछ तो दवाई दीजिए डॉक्टर। ये आदमियों का अस्पताल है, जानवरों को दवाई नहीं देते, ले जाओ। आगे आगे उमा रानी जी, आगे। हाँ आगे। लूसी जल्दी से फूल माला ले आओ, मेरी इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। आइए आइए, वेलकम मैडम। थैंक यू। आइए। आप आ गए, बड़ी खुशी हुई, अब तो इस अस्पताल का भाग्य ही चमक जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम चारू है। ये झिली है ना, नीचे गिर गई। डॉक्टर मेरी बात नहीं मानती, लगता है आप कहेंगी तो मान जाएंगी। चारू, चारू, मैंने तुमको पहले कहीं देखा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ याद आता है पर यहाँ नहीं आता। लेकिन आप झिली को पहले देखिए ना। घबराओ नहीं, अभी देखते हैं। डॉक्टर आप कुछ कर नहीं सकती इसके लिए? यस, ओ यस। जरा जल्दी कीजिए डॉक्टर। अभी देखती हूँ मैडम। हे भगवान, मेरे जिली को बचा लो। आई एम सॉरी मैडम। चारू, तुम्हारा जिली बच नहीं सका। मर गया, चिली तो मर गए। रो मत चारू, मैं तुम्हारे लिए चिली जैसा ही एक और कुत्ता ला दूंगी। चलो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूं। मेरी माँ नहीं, पिताजी नहीं, ताता, चिली तो मर गया। डॉक्टर आपने उसे पहली दवाई क्यों नहीं दी? मार दिया ना मेरे चिली को, आप ही ने मार दिया। ताता, ताता। चारू, चारू। हेलो, कौन? जी उमा रानी जी, नमस्ते नमस्ते, कहिए। हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ। देखिए इतने बड़े शहर में सिर्फ चारू का नाम और उम्र बताने से कैसे चलेगा? उसकी जात क्या है, कहाँ रहती है, कुछ तो मालूम हो। वाह वकील साहब, जात, पता, माँ बाप का नाम सब मालूम हो तो मैं आपको क्यों फोन करती? कितने भी रुपए लग जाए हर्ज नहीं, यू मस्ट फाइंड आउट वेयर शी इज। क्या साहब, एक छोटी सी बच्ची की आइडेंटिटी का पता लगाना है, ये भी नहीं हो सकता तो पुलिस किस काम की? वो तो ठीक है, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। गौरी साला स्टैंड पेपर खराब कर दिया। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? बच्ची को जान से मार डालोगे क्या? कुछ नहीं,
मैं तो जरा जोर से प्यार कर रहा था। रो मत बेटी, मेरी बच्ची, ले ले पहुंच दे, पहुंच दे, ले फाड़ दे, फाड़ दे, और आ जाएगा। ओ मेरी बच्ची, ओ चारू, तू अभी तक स्कूल नहीं गई? अरे जो हो गया उसे सोचकर मन क्यों खराब करती है? नलान, तू चारू के लिए एक नया कुत्ता ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिल्ली को भी मेरे जीजा जी ही लेकर आए थे। वो जिस घर में काम करते हैं वहाँ जिल्ली जैसा ही एक और कुत्ता है, मैं ला कर देता हूँ बेटी। अब इसके लिए कोई स्कूल जाए बिना थोड़े ही रहता है, हैं? चलो। तू तो बहुत रानी बेटी है, तंग नहीं किया करते, अच्छे बच्चों को स्कूल जरूर जाना चाहिए। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, गलती मेरी थी, हेडमिस्ट्रेस मुझे मारती, जिली को क्यों मारा, नहीं जाऊंगी। मेरी लाडली, तुम्हारी क्लास टीचर तुमसे बहुत प्यार करती है, और वैसे भी तुम्हारे स्कूल में डांस होने वाला है, तुम नहीं जाओगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे डांस वांस नहीं चाहिए, प्राइस भी नहीं चाहिए। चारू, चारू, उषा, तुम, हमारी जो हेडमिस्ट्रेस है ना, वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई है, उनकी दाएं हाथ की हड्डी टूट गई है, आज वो स्कूल नहीं आएंगी। सच? हाँ, आज दोपहर को खाने के बाद दो दो पीरियड छुट्टी। चिल्ली को मारा था ना, इसलिए हड्डी टूट गई। ताता ताता, मैं स्कूल जाती हूँ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ये कुत्ता तो बिल्कुल जिल्ली जैसा है, इसे फौरन खरीद लीजिए आप। अभी तो बच्ची मिली ही नहीं, इसको खरीदने का क्या फायदा अभी से? मैं जानती हूँ वो बच्ची जरूर मिल जाएगी, चलिए। ये बच्ची कौन है? ये हमारी बच्ची है। मैं घर में बता रहा था कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए इसकी माँ ने इसे मेरे साथ भेज दिया। बहुत इंटेलिजेंट है, आप चाहें तो इसे अपने पास रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हैं बेटी, मैडम को प्रणाम करो, मम्मी ने कहा था ना अच्छी बच्ची है ना। मैं नहीं करती, पीठ में कुचली हो रही है, कुचला दो ना पिताजी। यहाँ मेम साहब, आपसे मिलने कोई आए हैं। अच्छा मैडम, हम चलते हैं, नमस्ते, चलो बेटा। भेज दो। वंदे मातरम। वंदे मातरम, आप ही का इंतजार था, बैठिए। जी शुक्रिया मैडम। वो पैम्पलेट तैयार है? हाँ सब तैयार है, पीछे आउटहाउस में जो छापा खाना है ना, उसी के पास वाली कमरे में मैंने सारे पर्चियां रखवा दी हैं। कब ले जाएंगे आप? जी कल शाम को। कल शाम को तो मुझे एक स्कूल के फंक्शन में जाना है। आप ऐसा कीजिए, मैं डुप्लीकेट चाबी देती हूँ, जब चाहे आकर ले जाइएगा। मैडम आप बम्बई से मद्रास के आई, हम लोगों को बड़ा सहारा हो गया। एक छोटी सी विनती है, ये काम बड़े जोखिम का है, आप सावधान रहिएगा। देश की आजादी के लिए कोई भी जोखिम उठाया जा सकता है। தோல் தோல்
கண்ணன் இசையாரும் குழல் கொண்டு வந்தான் கண்ணன் இசையாரும் குழல் கொண்டு வந்தான் இந்த ஈரேகு பிறவிக்கும் இன்ப நிலை தந்தான் திசை தோறும் நிறைவாக நின்றான் கண்ணன் நிறைவாக நின்றான் என்னும் திகட்டாத வேணுகானும் ராதையிடம் இந்தான் திசை தோறும் நிறைவாக நின்றான் என்றும் திகட்டாத வேணுகானும் ராதையிடம் இந்தான் எங்காயிலும் எமதிரைவா இறைவா எங்காயிலும் எமதிரைவா இறைவா என மன நிறையடி அவரிடம் தங்கு மனத்துடையான் அருள் பொங்கு முகத்துடையான் ஒரு பதம் வைத்து மறு பதம் தூக்கி நின்றாட ஒரு பதம் வைத்து மறு பதம் தூக்கி நின்றாட மயிலின் இறகாட மதிவதனமாட மயக்கும் விழியாட மகர குகையாட மலரணிகளாட மலர் மகளும் பாட இது கனவோ நனவோ என மனநிறை முனிவரும் மகிழ்ந்து கொண்டாட சகரிச நிரிசனி கதனித தனிதப மகரி கமப சரி கம ரி கம ப கம பதனி சகரி சிரிசனி கதனித தனிதப மகரி கம ப சரி கம பதனி சரிக 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 தனி சரிகதி நிசதி நீ சரி நீ சரி மபதனி சனி மதப மதப நீ தப தப மகரி கக பதனி சரி கக சனி பதனி அசைந்தாடும் மயில் உண்டு தந்தால் நம் அழகன் வந்தான் என்று சொல்வது போல் தோணும் அசைந்தாடும் மயில் ஒன்று கண்டான் நம் அழகும் வந்தான் என்று சொல்வது போல் தோணும் ஆப் தேக்தி ஜாயே மை இஸ்கோ பி டான்ஸ் சிகாங்கா அழகம் வந்தானென்று சொல்வது போல் தோளும் அச் ஷாம் ஹமாரி முக்கிய அதிதி உமா ராணி ஜி ஹேன். ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्त होने के बावजूद आज उन्होंने हमारे बीच आना मंजूर किया। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्कूल की नन्ही छात्रा चारू के हाथों फूलों की माला स्वीकार करें। चारू, मुझसे नाराज हो? उस दिन बिना कुछ बोले ही चली गई। नाराज नहीं हूँ आंटी। फिर क्या हुआ? जिल्ली मर गया ना। तो इसलिए घर जाकर रोने का मन कर रहा था। चारू, मैंने तुम्हारे लिए जिल्ली की ही तरह एक और कुत्ता लिया है। तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं ला कर दूंगी। शिव मंदिर के पास गली है ना, वही गांधी आश्रम का नाम पूछिए, कोई भी बता देंगे। चारू, आइए आंटी आइए बैठिए। अरे अभी तक उदास है तू? ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे झिल्ली जैसा है ना ये। अरे
ये तो बिल्कुल जिल्ली जैसा है। जिल्ली वापस आ गया, जिल्ली वापस आ गया, जिल्ली ताता ताता जिल्ली वापस आ गया। अच्छा चारू, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए जिल्ली को लेकर आई, बदले में मुझे क्या मिलेगा? घर में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, लाऊं? मुझे वो सब नहीं चाहिए, बस इस गाल में एक और उस गाल में एक। पिताजी। दीर्घ सुमंगली भवा। बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, कुछ भी नया सिखाने या बताने की जरूरत नहीं। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही सब कुछ है। एक मन एक प्राण होकर उसकी सेवा करना। भगवान की पूजा का समय न मिले न सही, पर पति का ध्यान जरूर रखना। मायके और ससुराल दोनों का नाम तुमसे रोशन हो। मैं इन्हें नहीं बता सकती कि मैं सावित्री हूं, मेरे बीते दिनों का दुख ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ताता ताता, यही है वो अस्पताल वाली आंटी। चारू 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 चारू। तो ये हैं तुम्हारी अस्पताल वाली आंटी। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। आप भी बैठिए। वेरी स्वीट गर्ल, आप ब्रॉट अ पपी फॉर हर। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जाने क्यों आपकी बच्ची से बहुत प्यार हो गया है, बिल्कुल अपनी लगती है। आप चारू को इतना प्यार करती हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम शंभु शास्त्री है, इस पाड़े के लोगों को पढ़ा लिखा कर गुजर बसर करता हूँ। मैं उमा रानी हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत समाज सेवा कर लेती हूँ। ओह, आप ही हैं वो उमा रानी, आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। यजमान, इस मेहम साहब को देखने से अपनी बड़ी बिटिया याद नहीं आती, जाने कैसी है, लगता है भूल गए हम सबको। ससुराल में खुश रहे, हमें याद करे न करे, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, गलत मत समझिएगा। पूछिए। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जमीन जायदाद सब कुछ, लेकिन इतना कुछ होकर भी मैं बहुत अकेली हूँ। आप कहें तो मैं चारू को थोड़े दिनों के लिए अपने पास रख लूं। घर बहुत सोना लगता है उसका, अगर वहां मन लग जाए तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। आप जब चाहे उसे आकर मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे ही साथ आकर रह सकते हैं। चाहता तो मैं भी यही हूं कि चारू खूब पढ़े लिखे, जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ बने। फिर भी चारू क्या चाहती है एक दफा उसे पूछ लेना चाहिए। चारू, तू आंटी के पास रहेगी? हाँ रहूंगी। पर आपको भी मेरे साथ रहना होगा, जिल्ली को भी मेरे साथ रहना होगा। हाँ हाँ, हाँ आप भी वहीं आ जाइए। नहीं नहीं, मुझे इस पाड़े में कई काम है, इन लोगों को मेरी जरूरत है, और फिर मैं ठहरा पूजा पाठी, मैं यही ठीक हूँ। ताता ताता, तुम और नल्लान मुझसे वहाँ आकर अक्सर मिलते रहना। हा? हाँ हाँ बेटी, हम तुमसे वहाँ आकर जरूर मिलेंगे।
गजाननम गजाननम भूतगणाति सेवितम कपित्तजम्बु पलसारपक्षितम् उमासुतम् शोकविनाश कारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। शैतान, मेरी लाडली। आंटी, ताता मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? फिकर मत करो बेटी, अगर कुछ हुई है तो मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। आंटी, आप सचमुच मेरी अम्मा होती तो कितना अच्छा होता। ताता भी मेरे सचमुच के ताता होते तो कितना अच्छा होता। इसमें क्या है, तुम मुझे सचमुच अपनी मम्मी समझ लो बस। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बैठे। सुना था कि पुलिस गांधी जी को दंडी यात्रा पूरी करने की पहले ही गिरफ्तार कर लेगी, पर नहीं कर पाई, डर गई। लेकिन लगता है ये लोग राजा जी को वेदारण्यम पहुंचने नहीं देंगे। वेदारण्यम के बाहर खड़ा पैरा है। वो लोग जो चाहे बंदोबस्त कर ले मैडम, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजारों लोगों ने राजा जी का स्वागत किया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि जो कोई भी नमक सत्याग्रहियों को ठहरने की जगह देगा या भोजन देगा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मगर वहाँ जनता बाढ़ की तरह स्वागत कर रही है। उसमें हमारे सेवा दल के भी लोग हैं, और आपने जो पैम्पलेट और पर्चियाँ दी उन्हें कोने कोने में बांट दिया है, एक जगह भी नहीं छोड़ा। एक्सलेंट। आखिर कितने दिन ये सरकार हमें दबा कर रखेगी? ले जाइए 30,000 रुपए, फील्ड वर्क में काम आएगा। मैं अभी रुपयों की बंदोबस्त कर देती हूँ। शुक्रिया। पानी दो माँ जी, पीने का पानी दो माँ जी, प्यास लगी है माँ जी। राम जी, राम जी, जरा इन लोगों को पानी दिला दो। आंटी, ये लोग इस तरह क्यों भटकते हैं? वो बेचारा देख नहीं सकता ना, इसलिए वो बच्ची उसके साथ भीख मांगती है। भी क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके पास पेट भरने के लिए पैसा नहीं है।
बेचारे उस लड़की को हम लोग अपने पास क्यों नहीं रख लेते? आते जाते सभी दुखियारों को अपने घर में थोड़े रख सकते हैं। हाँ, अपनी तरफ से जो हो सके वो मदद जरूर कर सकते हैं। मैं आपकी बेटी थोड़ी हूँ, आपने मुझे कैसे रख लिया? बेटी, वो बेचारा अंधा ठहरा। उस लड़की को हम लोग अपने पास रखेंगे तो वो चलेगा फिरेगा कैसे? वही तो उसका सहारा है। अंदर मेरे पर्स है, उसे पूरे 5 रुपए निकाल कर दे दो, जाओ। ये लो पैसे। अच्छा, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे फ्रॉक दूंगी, हम दोनों साथ खेलेंगे, ठीक है? भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? मेरे नाना को दिखता नहीं, मैं नहीं रहूंगी तो चल फिर नहीं सकेंगे। चारू को अब किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। उमा रानी का हाथ पकड़कर बहुत ऊंची चली जाएगी। नलान, यजमान, अब मैं एक यात्रा पर निकल जाना चाहता हूँ। क्यों यजमान, हम लोगों से कुछ भूल हो गई? आप जाना क्यों चाहते हैं? नहीं नलान, कैसी बातें करते हो? तुम लोगों ने मेरा कितना आदर किया है, कितना ख्याल किया है। मैं गांव गांव घूमकर लोगों को चरखा चलाना सिखाऊंगा। अपने हाथ के बुने कपड़े पहनो, बापू के बताए हुए रास्ते पर चलो, तभी आजादी मिलेगी। कहाँ जाएंगे यजमान? सत्य और अहिंसा का रास्ता बहुत लंबा है नलान, अब वो रास्ता जहां भी ले जाए। ताता, ताता। कौन? चारू? ताता, ताता, मेरा सपना सच निकला, तुम देख नहीं सकते ना? ये लो, मेरा हाथ पकड़ो। घबराओ मत ताता, मैं तुम्हें सब जगह ले जाऊंगी। लेकिन इतनी रात को तू कैसे आ गई? मुझे सपने में मालूम हो गया ताता कि तुम देख नहीं सकते, मेरे बिना कौन तुम्हें रास्ता दिखा सकता है? नहीं बेटी, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। सच में? सच बेटी, मैं तो सब कुछ ठीक से देख सकता हूँ। अच्छा, तो बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 3। अभी? 5। ताता की आंखें ठीक होगी, ताता की आंखें ठीक होगी। मैं तुमसे कटती हूँ ताता। क्यों? तुम मुझे आंटी के पास छोड़कर भूल गए, देखने भी नहीं आए, मर जाती तो। ऐसा अशुभ मत बोल बेटी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर बेटी मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूला। कैसी है तू? मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रहूंगी। और भला मुझे तेरे बिना अच्छा लगता है? मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा तुझे साथ लेकर जाऊंगा। तू चलेगी मेरे साथ? मैं अभी चलूंगी।
चारु चारु चारु, अरे कमला, चारु को देखा, यहाँ आई क्या? नहीं आई। नहीं आई, कहाँ गई सुबह सुबह? राम जी, चारु को देखा? नहीं मालकिन। नहीं, जरा ड्राइवर को बुलाओ जल्दी से। आइए आइए मेम साहब। शंभू शास्त्री जी घर पर हैं? उन्हीं को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। गांधी बाबा के भक्त ठहरे, कहते थे गांव-गांव में उनका संदेश फैलाना है, पर इतनी जल्दी चले जाएंगे ये नहीं मालूम था। उनके आने के बाद इस पाड़े का नक्शा ही बदल गया। अबे ओ नौजवान, मैं शराबी हूँ, कहूँ कहता मैं शराबी हूँ, हाँ चल चल पंच के पास चल। भैया, नल्लान का मकान कहाँ है? यही है। अरे मालिक आप? हाँ। आइए मालिक आइए, मैं अभी आया। आइए मालिक आइए, इस गरीब को एकदम भूल गए, आंखें तरस गई आपको देखने के लिए। नल्लान, मुझे ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अब तक तो अकेला था, सन्यासी की तरह जी रहा था, अब भगवान ने बच्ची सौंप दी है, मेरी थोड़ी मदद कर सकोगे? यजमान, ये मेरे कर्मों का फल है आप मेरे पास आए, मैं यहीं आपके रहने का बंदोबस्त करता हूँ। आप इस पाड़े में रहिए, हमें धर्म पुराण की कथा सुनाइए, यहाँ के लोग सुधर जाएंगे। अबे थोड़ी सी फिले, हाँ फिले। देख रहे हैं मालिक कैसे हैं ये लोग, इस पाड़े का उद्धार आपको ही करना होगा। என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையில் மோகம், என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையில் மோகம், என்று தள்ளியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்ற மதலை கை விலங்குகள் போகும், என்ற மதலை கை விலங்குகள் போகும், என்ற மதலை கை விலங்குகள் போகும், என்ற மதின்னல்கள் தீர்ந்து பொய்யாகும், என்று தள்ளியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையில் மோகம், என்று தள்ளியும் இந்த சுதந்திர தாகம், அன்றொரு பாரதம் ஆக்க வந்தோனே, ஆரியர் வாழினை ஆதரிப்போனே, அன்றொரு பாரதம் ஆக்க வந்தோனே, ஆரியர் வாழினை ஆதரிப்போனே, வென்றி தருந்துணை நின்னருடனுறோ, வென்றி தருந்துணை நின்னருணருகோ, வென்றி தருந்துணை நின்னருணருகோ, மெய்யடியோ நின்னும் வாடுதல் நன்றோ, எழுது தள்ளியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையில் மோகம், தண்ணீர்
वो बड़े महान आदमी थे, उनसे मिलकर ही मैंने शराब पीनी छोड़ दी। वाह मैम साहब, आप आए क्यों इस पाड़े में? पहली बार आई, बच्ची को लेकर चली गई, उनका मन ये एकदम खाली हो गया, बेचारे अब शगर ही छोड़कर चले गए। चुप रह। सच्ची तो है, मेरा ही दोष है, मैं न आती वो न जाती। आप लोग घबराइए मत, मैं किसी भी तरह से उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगी। आपका कहना सही है, लेकिन इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उस बच्ची को उन्होंने पाला है, उसे अपने साथ ले जाने का उनका पूरा हक है, साथ में कोई कीमती जेवर भी वो नहीं ले गए हैं, फिर उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा सकता है? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं नहीं, मैं आपसे अरेस्ट करने को नहीं कहती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं, वो लोग कहाँ हैं, सिर्फ इसका पता लग जाए तो काफी है। वो मैं जरूर पता लगा दूंगा। आप एक पिटीशन लिख दीजिए, मैं यह फॉर्मेलिटी है। वकील साहब। अभी लिख देता हूँ। यस, असिस्टेंट कमिश्नर स्पीकिंग। बैंक फोर्जरी, आज ही अरेस्ट हुआ है। क्या नाम है उसका? श्रीनिवास। स्पीक लाउडर आई से। श्रीधरन, क्या आपने ऑलरेडी भेज दिया? ठीक है, लिख दिया। आप दस्तखत कर दीजिए। लेडी सर, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सॉरी सर। उमारानी उर्फ सावित्री। अरे मैं समझ गया। क्या बक रहे हो? सर, शी इज माय वाइफ सर, वो मेरी पत्नी है सर। पागल हो गए हो क्या? अब कहोगे कि मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ? ले जाओ इसे अंदर। नहीं सर, वो मेरे। ले जाओ। आप दान धर्म कीजिए, मैं नहीं रोकूंगा, पर एक क्रिमिनल की मदद मैं नहीं करने दूंगा, इसमें किसी का भला नहीं। मैं बेवजह कोई काम नहीं करती वकील साहब, बाद में आपको सब समझा दूंगी, अभी मुझे रोकिए मत। उस आदमी को किसी भी तरह से जेल से छुड़ा दीजिए, कितने भी रुपए लग जाए हर्ज नहीं। देखिए, जो आप कह रही हैं वो काम आसान तो नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूं। देखिए, किसी को पता न चले कि इस काम पर मैंने आपको लगाया है। जी। कहा था ना इस शहर को छोड़कर तुरंत चले जाना होगा, इसी शर्त पर तो आपको छुड़ाया गया है। क्यों आया? कैसा सवाल करती हो सावित्री, पुरानी बातें भूल जा सावित्री, ना तुम अब गवार सावित्री रही और ना मैं पुराना श्रीधर। सच है, उस गवार सावित्री से तो मुझे बेहद चिढ़ती, लेकिन अब इस खूबसूरत उमा के कदमों को चूमने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन उमा को तुमसे दिली नफरत है, जिस जमीन पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं वहां वो सांस तक नहीं लेना चाहती। जानना चाहते हो कि किस लिए मैंने तुमको छुड़वाया? इसलिए कि मुझ में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, समझे? चले जाओ यहां से। चला जाऊं तुम्हें छोड़ के? ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे गले में मैंने मंगलसूत्र बांधा है, तुम मेरी पत्नी हो, भूल गई क्या? अच्छा, तो ऐसे नहीं जाओगे, दरबान को बुला। जिसे चाहो बुला लो, देख लेता हूं। दरबान, जरा इस माशी को गेट के बाहर पहुंचा दो, जल्दी से।
तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुन लो सावित्री, तुम पे मैं रेस्टिट्यूशन का केस चलाऊंगा। तुम्हें कोर्ट में नहीं खड़ा किया तो मेरा भी नाम श्रीधर नहीं। देख लेता हूं किस दरबान का आवाज देती हो तब। उमा रानी के विवाह का रहस्य मामला अदालत में, मामला अदालत में। उमा रानी के विवाह का रहस्य, उमा रानी के विवाह का रहस्य, मामला अदालत में। आप अब आगे की देखिए। उमा जी, मिस्टर श्रीधर से बात करके समझौते का कोई रास्ता निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा। सारे शहर में बदनामी हो रही है। सर्टनली नॉट वकील साहब, आपको मेरे गुजरे हुए दिनों की कहानी नहीं मालूम। जितना मैंने उस आदमी से प्यार किया, विश्वास किया, उतना ही उसने मुझे सताया। अब मामला अदालत तक पहुंच गया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। टूटे हुए चाते को लेकर पता नहीं और कितना दिन चलाना होगा। अपने लाडली बाबूजी से क्यों नहीं कहती मरामत कराने को? काम की बात नहीं सोचती, ऐसे जबान चटर बटर चलती रहती है। मैंने कहा था उनसे छोटी माँ, शायद भूल गए हैं, कल ही कर देंगे। आज तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान फट पड़ा हो। तुम लोग ऐसा करो, जल्दी से हमारे पीछे के आंगन में चले जाओ। जाओ जाओ। बेचारे सब भूखे हैं। पिताजी घर में चिवड़ा रखा है, इनको दे दूं? हाँ दे दो, जब तक बारिश खत्म ना हो। तुम लोग इतनी ना की यहाँ बैठो। आपने हरिजनों को घर पे बुला लिया है, क्या हो गया आपको? लेकिन इस आंधी बरसात में बेचारे कहाँ जाते? आपको किस बात की फिक्र थी, कहीं भी चले जाते। बड़ी दया आपके मन में, इतनी हिम्मत है आप में जो आपने इनको घर में घुसा लिया। आपको पंडित जी इस गांव में रहना है कि नहीं? लेकिन पंडित जी इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं। आज ही आपके संबंधी जी को पत्र लेके खबर देता हूँ। दिवाली में आने की बात है ना, देखता हूँ कैसे आते हैं। पहले गांधी जी के भक्त बन के चरखा चलाते रहे और अब सब नियम धर्म तोड़ने पे तुले हुए हैं, क्या हो गया आपको? छी 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 छी, सब धर्म भ्रष्ट कर दिया। चलो पंडित चलते हैं, इसने तो बिल्कुल सारी दादी का नाक काट दिया, बिल्कुल धर्म भी भ्रष्ट कर दिया, हम लोगों को भी खराब करता है। राजू होल्डाल बंद गया ना? श्रीधर कह रहा था उसका दोस्त भी साथ आने वाला है, उसके लिए भी टिकट खरीद लेंगे। लगता है टिकट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खबर सुनो तंगम, तुम तो दिवाली पर धूमधाम से संबंधी की खातिरदारी चखना चाहती हो और वहाँ सब गड़बड़ है। संबंधी जी पगला गए हैं। क्या क्या पगला गए? सचमुच नहीं, लेकिन वही समझो, चिट्ठी आई है, उनको जात निकाला कर दिया गया है। क्या? उस पागल आदमी ने अपने गांव के हरिजनों को घर के अंदर बुला लिया और उनके आव भगत भी की। अब कोई ब्राह्मण उनके यहां पानी नहीं पीता। हाय राम, सत्यानाश हो गया। इस बार दिवाली में नए कपड़े गहने क्या क्या लाने का मन था, सारा कुछ बिगाड़ दिया उस मूर्ख ब्राह्मण ने। कितना बड़ा धोखा हुआ,
हमने कुल वंश सब की जांच की और सब। धीरे बोलो, तुम्हारे सुपुत्र के कान में न पड़े। उसे दिवाली के लिए गांव चलने को मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया। अब चिट्ठी की बात मालूम होगी तो टूट पड़ेगा। देखे क्या चिट्ठी है। वाह, अब आप लोगों का जी भर गया। दिवाली को गांव चलने के लिए कह रहे थे। तो क्या हुआ बेटा, हम किसी दूसरी जगह धूमधाम से तुम्हारी शादी कर देंगे। दूसरी जगह एक और शादी? 5,000 लेके एक कठपुतली से शादी करवा दिया, अब 10,000 लेके एक और लकड़ी गुड़िया लाना चाहती हो? नहीं, कभी नहीं। मुझे इस मामले में पहले से अलग हो जाना चाहिए था। राजू कहाँ मर गया, मेरा सामान खुलवा दो। राधा समेत कृष्ण, राधा समेत कृष्ण, राधा समेत कृष्ण कृष्ण, राधा समेत कृष्ण कृष्ण, राधा समेत कृष्ण समेत समेत कृष्ण, राधा समेत कृष्ण समेत कृष्ण समेत कृष्ण, राधा समेत कृष्ण। नंद कुमार नवनीत चोरा, यजमान टाइम हो गया। हाँ बेटी, अब मुझे स्टेशन चलना चाहिए। पिताजी सब आ रहे हैं? हाँ बेटी, तेरे ससुराल वाले सब आ रहे हैं, लिखा तो यही था। नलन तुमने गाड़ी बांधी? हाँ बेटी। चलो भैया, बहुत दूर जाना है। आइए नानी आइए। मंगलम कहाँ है? अरे अम्मा तुम आओ आओ। पैती दीदी, दिवाली के लड्डू खाने मैं आ गया। चुप अम्मा, मैं तो डर रही थी कि कहीं दीपावली में बिना आए रह जाओगी। इस घर गृहस्थी से अकेले बिठते बिठते मन उदास हो जाता है। तुम आती हो दो घड़ी ये सब झंझट भूल जाती हूँ। सो तो ठीक है मंगलम, पर मैं ये क्या सुन रही हूँ मंगलम, गांव वालों ने तुम लोगों का दाना पानी अलग कर दिया है। हाँ माँ, देखो ना सब तुम्हारे दामाद की करामत है, जो मन में आए करते हैं। जाने और क्या क्या देखना है मुझे
गांव वालों से दुश्मनी करने की क्या जरूरत थी? उसका तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे पिताजी का दिमाग नहीं खराब हुआ है, दिमाग तो गांव वालों का खराब हुआ है जो उनके जैसे भले आदमी को अलग करके रखा है। छोटी माँ, तुम भी इस तरह क्यों बातें करती हो? बाप रे बाप, ये तो बहुत बोलती है। हे माँ, तुमसे एक ही विनती है मेरी, मेरे पिताजी का हाथ कभी न छोड़ना। गांव वाले कुछ भी कर ले पर तुम उनका साथ न छोड़ना। ये मेरे लिए, ये सावित्री के लिए, ये दामाद के लिए और ये वैद्य के लिए। मेरे लिए? अरे वाह, ये कोई तरीका है? बेटी के लिए 60 रुपए की साड़ी और पत्नी के लिए सिर्फ 12 रुपए की, दामाद के लिए 30 रुपए की धोती और साले के लिए सिर्फ 3 रुपए की। हाय हाय, बहुत फर्क करता है तुम्हारा पति। मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हीं ने इस ब्राह्मण से मेरी शादी करवाई। तो क्या हुआ, कितनी लड़कियां दूसरी ब्याहता बन के जाती हैं और अपने पति के घर में राज करती हैं, पता है तुम्हें? देखो कितना अच्छा लगता है मेरे ऊपर, मैं भी दूल्हा जैसा नहीं लगता? निकालो उसे। देखो नानी, मेरी साड़ी भले ही छोटी माँ पहन ले पर उनकी धोती कोई और पहने, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आय हाय हाय, ले लो बाबा उनकी नई धोती, अभी तक ससुराल तो गई नहीं, उसके पहले ही इतना प्यार उमड़ा आ रहा है। मंगलम, तूने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। छोटी माँ, उन लोगों के आने का वक्त हो गया है, आरती तैयार नहीं करोगे? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अम्मा, तुम वैती के हाथ दामाद को देने के लिए 2 नारियल दे दो। नारियल अभी लाता हूँ। ये क्या अपशकुन है? सावित्री, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जमाई बाबू नहीं आए, कोई भी नहीं आया। बेटी, नहीं आए पर क्यों? आपने ठीक से देखा? मैंने चारों तरफ अच्छी तरह ढूंढा, कहीं कोई नजर नहीं आया। आप क्यों रो रही हैं पिताजी? आप भला क्या कर सकते हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं। Thank you.
तंगम, तुम्हारे बेटे के बारे में मेरे कानों में बहुत कुछ पड़ रहा था, पर मैंने विश्वास नहीं किया। अब तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि बात अखबारों तक पहुंच गई है। आपको तो उसे डांटने का बहाना चाहिए। क्या छपाया अखबार में? नहीं मानती ना, सुन लो। श्रीधर नाम का नौजवान कफ रोड में सुशी नाम की अंग्रेजी महिला को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। गाड़ी एक राह चलती वृद्ध महिला पर चढ़ गई और वृद्धा की तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हाय राम, ये अपना श्रीधर है? साक्षात तुम्हारा ही बेटा श्रीधर है। आगे गाड़ी का नंबर वगैरह यहाँ लिखा हुआ है। अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? वो तो और कई गुल खिला रहा है। सुशी को ड्राइविंग, लूसी को डांसिंग और रोसी को बॉक्सिंग सिखाया जा रहा है। ये तो कभी नहीं सुधरेगा। तुम्हारे लाड ने इसका सत्यानाश कर दिया है। अरे जवान लड़का है, थोड़ी बहुत रंगीनी तो करेगा ही। अब बहू को बुला लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब चिट्ठी आई थी कि उसका जात निकाला कर दिया। अब तो 3 साल हो गए उस चिट्ठी के। हम बहू को बुला लेते हैं। श्रीधर बेचारा क्या करे, वो है ही इतना सुंदर कि सब उस पर मरते हैं। सावित्री बेटी, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। तुम्हारी सास ने तुम्हें बुला भेजा है। पड़ोस में अपने भाई के यहाँ ठहरी हुई है। संदेशा भेजा है तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। 2 दिन बाद ही तुम्हें बेंगलोर जाना है। देवी ने आपकी सुन ली पिताजी। दीर्घ सुमंगली भवा। बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, कुछ भी नया सिखाने या बताने की जरूरत नहीं। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही सब कुछ है। एक मन एक प्राण होकर उसकी सेवा करना। भगवान की पूजा का समय न मिले न सही, पर पति का ध्यान जरूर रखना। मायके और ससुराल दोनों का नाम तुमसे रोशन हो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हमेशा सबके सम्मान का ख्याल करूंगी। लेकिन आप मेरे जाने के बाद कैसे? अरे पगली, मेरी चिंता अब तेरी जिम्मेदारी नहीं। चल। छोटी माँ, नानी, मैं जाती हूँ। मुझे कोई भूल चूक हो गई है तो माफ करना। चिट्ठी जरूर लिखते रहना। लिखूंगी। जाती हूँ। नल्लान, पिताजी का ख्याल रखना। फिक्र न करो बेटी, मेरे मालिक का ख्याल तो खुद भगवान रखता है। चलो छुट्टी हुई, कहीं लौट के ना आ जाए। ठीक से गिन लीजिए, पूरे 3,000 रुपए हैं। देखिए, बचपन में ही इसकी माँ का देहांत हो गया था, अब आप ही इसकी माँ हैं। आपको सौंप रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन वक्त पर रस्म रिवाज पूरी करना ना भूलिएगा। हम लोगों को भी समाज में अपनी इज्जत बनाए रखनी है। आप कान में तेल डालकर मत बैठ जाइएगा। रामू, गाड़ी तैयार हो गई, जाने का समय हो गया। अम्मा। क्या? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ नलन? अभी पता चला यजमान ने जमीन बेच डाली। पुरखों की जमीन थी। हाय राम, मुझे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। बेटी की शादी क्या की, खंगाली खरीद ली। हाय हाय हाय, आंखें बंद करके मैंने तो तुम्हें कुएं में धकेल दिया। सोचा था कम से कम भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा, पर यहाँ तो हमारे दामाद ने एकदम धोखा दे डाला। क्या हो गया है तुम सबको?
इतने दिन राम ने संभाला था, आगे भी वही संभालेगा। अरे कोई जमीन मेरी थोड़ी ही थी, उसने दिया था उसी ने ले लिया। भगवान का नाम मत लीजिए मालिक, भगवान भी कभी कभी आंखें मूंद लेता है। पर अब मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, इतने साल आपकी मजदूरी करते मेरे दिन बीते, अब इसी गांव में और किसी के पास चाकरी नहीं कर सकता। मेरा जीजा शहर में रहता है, मैं भी उसी के पास चला जाऊंगा। आओ बेटी आओ। अरे तार नहीं भेजा तुमने? आओ बेटी, इस घर में तुम्हारी ही कमी रह गई थी, हमारी तो उसने हंसी करवा ही दी, अब तुम्हारे साथ न जाने क्या होगा। अभी अभी तो आई है, क्यों उसे ये सब सुना रहे हो? श्रीधर घर पे नहीं है क्या? क्या जाने कहां गया, सूट बूट पहन के सुबह से ही निकल गया है। उसका कुछ आता पता किसी को रहता है? जाओ बेटी जाओ, ऊपर जाकर मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, जाओ। श्रीधर तुम आ गए। अरे माँ तुम कब आए, पिताजी ने कुछ बताया नहीं। खुद तुम्हारे पिताजी नहीं जानते थे, तार भी नहीं भेज सकी। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ। मेरे लिए? माँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ। नहीं हो, इसीलिए तो एक स्पेशल भेंट ले आई हूँ। आओ मेरे साथ आओ। पहले मत बुझाओ माँ, क्या लाई हो? अरे कुछ तो बताओ ना। जल्दबाजी क्यों करते हो, अभी पता चल जाएगा। ये लो तुम्हारी अमानत। इस कम्बक को यहाँ क्यों लाया, ये क्या बकवास है? अभी तो बकवास ही लगेगा, पर कल को दोनों एक हो जाओगे और मैं अलग पड़ जाऊंगी। तुम्हारी बीवी है, अब तुम जानो और वो जाने। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बीवी? किसकी बीवी? माँ तुम मुझे भरमाने की कोशिश मत करो। कौन है मेरी बीवी ये? इसको तो पहली गाड़ी से वापस भेज दो। ऐसे नहीं बोलते श्रीधर, कैसे बचपना कर रहे हो। रो नहीं बेटी, गुस्सा तो इसके नाक पर बैठा रहता है। आते ना आते नकली आंसू बहाने लगे, और तो कुछ सीखा नहीं, रोना धोना शुरू कर दिया। कम्बक कबार कहीं की। हाथ भी नहीं दुखते, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती चली जाती है। पढ़ो तो बेटी, क्या लिखा है अपने लाडले बाबूजी को, पढ़ो ना। हाँ, लिखा है, बाबूजी को प्रणाम, आप मुझे भूल गए क्या? मेरी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं, आप नाना बनने वाले हैं, सास रसम वगैरह पूरा न करने की वजह से ताने मारती रखती हैं। मेरी तकलीफों का अंत नहीं, बार बार मुझे प्रसव के लिए मैके जाने को कहती रहती है। अब अगर नहीं आए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे,
मेरे कारण सबको कष्ट क्यों होता है? पता नहीं मेरा जन्म ही क्यों हुआ, अब जगह नहीं जाता। छोटी माँ के हाथ का खाना खाऊंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। आपकी बेटी सावित्री। हाँ, जैसे इसका खाना बनाने के लिए ही छोटी माँ इस घर में आई है। इसको प्रसव भी देखो और खाना बनाकर खिलाओ, जैसे कोई काम नहीं है। जीजा जी को मालूम नहीं है ना कि सावित्री की चिट्ठी आई है? तुमने तो सारी चिट्ठियाँ फाड़ डाले। अरे बुद्धू चुप, किसी को पता ना चले, जाने किस किस के पैर भारी हो रहे हैं। मेरी मंगलम की कोख अभी तक सुनी है। मंगलम, भगवान के प्रसाद के लिए कुछ खीर वगैरह नहीं बनाई? खीर बनाओ दीदी, मैं खाऊंगा। तू चुप रह बैठी, वो बेचारी क्या करेगी। मैं तो मुंह नहीं खोलना चाहती थी, पर अब तो खोलना ही पड़ेगा। खीर क्या ऐसे ही बन जाती है? दूध चाहिए, चीनी चाहिए, किसका बंदोबस्त तो है नहीं। बस सिर्फ भगवान के सामने आंखें बंद करके घंटी बजाते रहने से कैसे गुजर होगी? देखिए, मेरे जीवन का मालिक तो राम है, उसने आधी जिंदगी पार करा दी है, जो बची है उसे भी पार करा देगा। कुछ तो उपाय कीजिए, शहर में बहुत लोग संगीत सिखा के पैसा कमाते हैं, आप भी जाइए ऐसा ही कुछ करिए। मैं अपनी मंगलम को जरा ननिहाल लेके जाती हूँ, कम से कम कुछ दिन तो मेरे साथ हंसी खुशी से रह ले। खुशी से ले जाइए, मंगलम भी आपके पास कुछ दिन सुख से रह लेगी। आपकी बात भी ठीक है, शहर जाकर मेरा भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तंगम, तंगम, तुम्हारी बहू कब से खांस रही है? देखो उसके पैर भारी हैं, कुछ हो गया तो? आहा, आपको इधर इतनी चिंता है पर उधर उसके बाप को जरा भी फिकर नहीं। संसार भर में ऐसा निर्मोही बाप मैंने तो नहीं देखा। प्रसव का समय आ रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो, आकर ले क्यों नहीं जाते लड़की को? कहती है उसकी एक चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया, अब तो जिद कर रही है कि ट्रेन पर चढ़ा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। अच्छा, ट्रेन पर अकेले जाने को कहती है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नाराज क्यों होती हो, मैं तो यही कह रहा था कि वो कैसे अकेले इस हालत में जा सकती है। हाँ, अगर वो जिद करते हैं तो भेज दो, बेचारी कम से कम मायके में कुछ दिन खुशी से रह ले। यहाँ उसे कोई खुशी की कमी है क्या? जो तुम यहाँ, तुमने और तुम्हारे बेटे ने उसके साथ बहुत मनमानी की है, जैसे बंदर के हाथ फूल माला, सब के सब नालायक हो। कितनी देर लगा रही हो, अभी तक नहीं कुटा? बहुत खांसी हो रही है अम्मा, कल रात सो भी नहीं सकी, ये मिर्च मुझसे कुटा नहीं चाहता अम्मा। सीधे सीधे बोलना कि कर नहीं सकती, ये नखरे दिखाने की क्या जरूरत है, बार बार तबियत करो ना। सचमुच अम्मा, सर बहुत चकरा रहा है। ठीक है ठीक है, रोना धोना मत शुरू कर, आज शाम की गाड़ी में चढ़ा देती हूँ, अपने बाप के घर जाकर आराम कर लेना। क्या, शाम की गाड़ी से अकेले? हे भगवान, इस हालत में मैं अकेले कैसे जाऊंगी? पिताजी से एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला और मैं अकेले। वो सब मुझे मालूम नहीं, तुम्हारे ससुर जी की आज्ञा है, ट्रेन चढ़ाने को कहा है, और हाँ साथ में गहने लत्ते वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं, समझी? बाबा ने कहा है? सच में? मैं सोचती थी कि इस घर में वही एक है जो मेरा दर्द समझते हैं। अच्छा,
तो मन में यही सोच के रखा है तुमने, ससुर देवता और सास राक्षसी। क्यों, जब से घर में आई है तब से लक्षण ही बिगड़ गए? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं। पंडित चाचा, मेरे घर में ताला क्यों पड़ा है? पिताजी कहाँ गए हैं? मुझे क्या मालूम है कहाँ गए, मैंने उनका ठेका ले रखा है। चाचा, आप पिताजी से नाराज ही सही, पर मेरी खातिर पता नहीं बता सकते? तुम्हारा बाप शहर गया है संगीत सिखाने और पैसा बनाने। क्यों, शहर क्यों जाना पड़ा? अरे जमीन बेच डाली इसलिए चले गए। तुझे ससुराल भेजने के लिए रुपए जो चाहिए थे कहां से आते है? वो लोग तुझे क्या खाली हाथ ले जाते? दूसरी बार दहेज देने के लिए जमीन बेच डाली, बेचारा शहर चला गया, अब रोजी रोटी कमाएगा वहां पे जाके। और छोटी माँ? अपने मैके। चाचा, शहर में उनका पता मालूम है आपको? पता मुझे नहीं मालूम, मद्रास जाके पूछो, शंभू शास्त्री संगीत सिखाने वाले कहाँ रहते हैं पता चल जाएगा। जाना है बहन जी आपको? संगीत मास्टर शंभू शास्त्री का घर मालूम है आपको? टी नगर या मैलापुर? ये तो मालूम नहीं है भैया। आप पोस्टमैन से पूछ लो, वो बता देगा आपको। चल बादल चल। शंभू शास्त्री का पता मालूम है आपको? संगीत विद्वान है। मुझे नहीं मालूम बहन, आप ऐसा कीजिए पुलिस स्टेशन में पूछिए, मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूं, किसी को पता नहीं मालूम, अब और किससे पूछूं? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। घबराइए नहीं, आज किसी जान पहचान वालों के यहां रह जाइए, मैं तब तक आपके पिताजी का पता लगाता हूं। जान पहचान इस शहर में? हे भगवान। देखिए, इस तरह आपको अकेले नहीं भटकना चाहिए। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड आप मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं? हस्बैंड, हाय राम, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? जल्दी से पानी लाओ। ये भी लाया। पुलिस स्टेशन, आई एम सॉरी, शरण्य हॉस्पिटल, मैं मांदवली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजिए। आई एम श्योर ये बिना शादी के बच्चे वाला केस है। हाँ, चेहरा देके धोखा मत खा जाना, मैं इसे यहाँ नहीं रखना चाहती। देखिए, अब आप स्वस्थ हो गई हैं, इसलिए यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ होने के बाद यहाँ रहने का कोई नियम नहीं है। सिस्टर, मैं जानती हूं कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती, लेकिन यहां से मैं कहां जाऊंगी? इस नन्ही सी बच्ची की कैसी देखभाल करूंगी? तुमने मेरी बड़ी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकती।
तुम मुझे एक और मदद करोगे? मुझे एक नौकरी दिला दो, मैं हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी। अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? हाँ देखो, मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो तुम्हारी जैसी लड़की को सहायता के लिए अपने पास रखना चाहती है। वो बम्बई में रहती है। सच? हाँ, लेकिन इस बच्ची को तुम साथ नहीं ले जा सकती। इसके लिए तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढो और उस अमीर महिला को मैं एक पत्र लिख दूंगी। उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। मगर इस बच्ची को मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ? मगर वगर करोगी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। नौकरी करोगी तो बच्ची को भी अच्छी तरह से पाल सकोगी। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास तुम इस बच्ची को छोड़ सको। क्या सावित्री जी यहाँ हैं? हाँ ये रही सावित्री जी। आपके पिताजी का पता हमें मिल गया, वो लक्ष्मी मंदिर के मंडप में ठहरे हुए हैं। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? फिर पिताजी के सर पर बोझ बनूं? मेरे आने से तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगे। मैंने जीवन भर उन्हें और दिया भी क्या है, पर इस बच्ची का क्या करूं? इसके रहते तो कोई मुझे नौकरी भी नहीं देगा। हाँ इसे मैं पिताजी के पास छोड़ दूं तो वो भी बेसहारा है, ये भी बेसहारा। दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। भगवान की इच्छा यही है कि आप इस बच्ची को अपना समझकर पालें पोसें। हे भगवान, ये तू कौन सा खेल मेरे साथ खेल रहा है? अरे तू, तुझे राम जी ने भेजा है? तू राम का उपहार है? जैसी उसकी इच्छा। मैं तुझे नल्लान के घर ले जाऊंगा। उसी नर्स की सिफारिशी चिट्ठी लेकर मैं उस अमीर महिला के पास बंबई पहुंची जिन्हें मदद के लिए किसी की जरूरत थी। लीलावती जी तो लाखों में एक निकली। उन्होंने मुझे नर्स की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रखा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जिस माँ का मुंह मैं जन्म से नहीं देखा, उसी माँ का प्यार उन्होंने मुझे दिया। मैं बिखर गई थी, उन्होंने मुझे फिर से समेटा, जिंदगी से लड़ना सिखाया। लीलावती जी गरीबों की मददगार और समाज सेविका थी।
वो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की पूरी मदद कर रही थी। मैं उनके साथ उनके समाज सेवा और सेवा दल के कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। उन्होंने मेरा नाम बदलकर उमा रानी कर दिया। उमा, उमा, जरा इधर तो आना बेटी। हाँ जी। बेटी, जरा वो बॉक्स तो लाना। बैठो। ये मेरी वसीयत है बेटी, इसमें मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, ताकि मैं ना भी रहूं तो भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर तुमसे बढ़कर मेरा अपना कोई भी नहीं है। जानती हूं तुम भी दुखियारों की मददगार रहोगी, इन पैसों को देश सेवा के पुण्य कार्यों में लगाओगी। सोचती थी देश की आजादी तक जी लूंगी, लेकिन अब लगता है उसे तुम्हारी आंखों से ही देख सकूंगी। गुजरे हुए दिनों की याद करती हूँ तो दिल तड़प उठता है। लगता है अब कोई भी लड़ाई लड़ने की ताकत मुझ में नहीं रही। पर मैं दिल को पत्थर कर लूंगी, ये शायद मेरी आखिरी लड़ाई है। इसमें मैं उस आदमी को जीतने नहीं दे सकती। आई एम सॉरी मैडम। क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करें। थैंक यू मिलॉर्ड। माना कि आपको अपने पति के घर बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन जिसे आप इतना मानती थी, भगवान समझकर पूजती थी, आज उनके साथ रहने की मांग को आप क्यों अस्वीकार करती हैं? वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। बेशक मांग जाए से, लेकिन ये मांग है किस लिए? इसलिए नहीं कि आज अचानक इतने सालों के बाद मुझ पर उनको प्यार उमड़ा आ रहा है, बल्कि इसलिए कि आज मेरे पास पैसा है। हाँ, सिर्फ यही वजह है मुझे अपने पास बुलाने की। फिर तो ये मांग जायज होकर भी नाजायज है। जिस आदमी के मन में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं, उसके साथ जीने के लिए मजबूर करना क्या सही है? आज जमाना बदल गया है, लोग आजादी का मतलब समझते हैं। इन बदले हालात में एक औरत को ऐसे आदमी के साथ जीने के लिए मजबूर करना जो उसे नापसंद है, क्या ठीक है? जब कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो क्या करता है? उसे गुजारा के लिए जीवनांश देता है। मैं भी अपने पति को जीवनांश आलिमनी देने के लिए तैयार हूँ, पर उनके साथ जीने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। साइलेंस, साइलेंस, ये क्या सिनेमाघर है? आपने जो बयान दिया उसके मुताबिक आप जब बेंगलोर से निकली तो 8 महीने की गर्भवती थी, उस बच्चे का क्या हुआ? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, इन सवालों को पूछने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है। इस सवाल से यह साबित हो सकता है मिलॉर्ड कि प्रतिवादी की हर बात झूठी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू मे प्रोसीड। ये एक नया तरीका है, बच्ची को मुझसे हत्याने की चाल है। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी। मुझसे बदला लेने का ये एक तरीका है। I refuse to answer this question. I refuse. Your Lordship, देखा आपने, बच्चे का नाम लेते ही बेहोश हो गई। बच्चे का इस केस के साथ जरूर कोई संबंध है। बच्चा जिंदा है या मर गया या फिर मार दिया गया,
इन सब बातों का जानना इस केस के लिए बहुत जरूरी है, और इन बातों का जवाब सिर्फ एक शख्स के पास है, वो है उमा देवी के पिता श्री शंभू शास्त्री। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कचहरी में उनको पेश करने की इजाजत दी जाए। साक्षी, मुझे? आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं तो अदालत अदालत कभी गया नहीं, लेकिन मुझे बुलाया क्यों जा रहा है? ये संबंध देखेंगे तो पता चल जाएगा जी, कोई सावित्री बनाम उमा रानी पर केस है। सावित्री बनाम उमा रानी? हाँ, किसी श्रीधर ने उन पर केस किया है। क्या हुआ ताता? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हे भगवान, तू फिर मेरी परीक्षा ले रहा है। वकील साहब, मेरी सारी संपत्ति बच्ची चारू के नाम कर दीजिए। लिख दीजिए कि वो शंभू शास्त्री की पाली हुई बच्ची है। किसी को पता न चले कि मैं उसकी माँ हूँ, उसके ताता को भी नहीं। नहीं तो मेरे पति जायदाद के लालच में उसे अपनी कस्टडी में रखकर उसकी जान भी ले सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब आप क्यों कर रही? जरा धीरज रखिए वकील साहब, सही वक्त पर मैं आपको सब बता दूंगी। आप जल्दी से कागजात तैयार कीजिए। ठीक है, मैं आपके दफ्तर में बैठ के लिखता हूँ। कमला। क्या मैम साहब? वकील साहब को कॉफी बनाकर दे दो जल्दी से। अच्छा। आंटी। चारू, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुमने इतने दिन मुझे अंधेरे में क्यों रखा बेटी? उस दिन तुम्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे तुम मेरी अपनी हो, लेकिन तुम्हारे रंग ढंग देखकर मैंने सोचा शायद तुम कोई और हो, मुझसे कोई भूल हो गई है। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं आप क्या कहें, क्या सोचें। याद है पिताजी, आपने कहा था मायके और ससुराल का नाम रोशन करना। मैं आपकी बात नहीं रख सकी पिताजी, मैंने कोशिश तो की पर आपकी बात नहीं रख सकी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। माफी किस बात की बेटी? मैं क्या भला तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ? ताता को बेटी मिल गई, आंटी को पिताजी मिल गए, मैं जेली के पास जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, ये समन किस लिए है, केस क्यों बनाया है, और वो श्रीधरन कहाँ है? सब बताती हूँ, पर आप पहले कुछ खा लीजिए। अरे यहाँ अकेली क्या कर रही है तू? अब तो मैं अकेले ही हूँ। क्यों? आपके लिए बाबा है और बाबा के लिए आप। मेरे साथ कौन खेलेगा? अरे कैसी बात करती है तू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। बताओ क्या खेलेंगे? आंख मिचौनी। ठीक है, आंख बंद करो। अच्छा, एक दो तीन चार, चली गई। वकील साहब, चारू यहाँ आई? यहाँ तो नहीं आई, बैठिए। सब कागजात तैयार हो गए हैं, आप इन पे दस्तखत कर दीजिए।
वकील साहब, मैंने पिताजी को सारी बात बता दी है। सिर्फ ये नहीं बताया कि चारू मेरी ही बेटी है। बताने से मुश्किल हो जाएगा। उनका दिल इतना साफ है कि वो किसी से कुछ छुपा नहीं सकते। ये लिफाफा लीजिए। जब चारू बालिक हो जाएगी उसे दे दीजिएगा। इसमें क्या है, मैं जान सकता हूँ? इसमें मेरी जिंदगी की सच्चाइयां हैं। शास्त्री जी, सावित्री का बच्चा कहाँ है आपको मालूम है? जी नहीं, इस विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो क्या सावित्री ने आपसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा? कोशिश तो मैंने भी बहुत की, लेकिन इस बारे में वो कुछ बताना नहीं चाहती। कम से कम अब आप ये बताएंगी कि आपका बच्चा कहाँ है? नहीं। यहाँ हर सवाल का जवाब देना पड़ता है, कानून यही है। नहीं दिया तो? नहीं दिया तो हम ये भी मान सकते हैं कि आपने ही अपने बच्चे का खून कर दिया है, और इसी बात पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। केस हार कर उस आदमी के साथ जीने पर मजबूर होने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप मुझे खूनी समझे और जेल में डाल दे। हाँ, मैंने उस बच्चे का खून कर दिया है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? आपने जुर्म का इकबाल किया है, इसलिए आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। स्टॉप 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 जज अंकल, झूठ बोल रही है आंटी। आंटी ने अपने बच्चे का खून नहीं किया, मैं ही उनकी बच्ची हूँ, मैं जिंदा हूँ, देखिए। What is all this confusion? ये सारी बातें इन्होंने चिट्ठी में लिखकर वकील चाचा को दी हैं। तुम ये सब कैसे जानते हो? ये सारी बातें मैंने चुप कर सुन ली। अम्मा, पिताजी ने तुम पर केस डाल दिया, इसीलिए तुम्हें शर्म आती है कहने में कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। नहीं चारू, ऐसी बात नहीं है बेटी। हे भगवान, कांग्रेचुलेशन श्रीधरन। भाई, इस केस से सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी फायदा हुआ। जानते हो कैसे? भाई, केस इतना सेंसेशनल था कि मेरी पूछ बहुत बढ़ गई, और इसी हफ्ते में 6 केस मिले, 2 रेप के और 4 डाइवोर्स के। भाई, अपने तो मजे हो गए। पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस, मैं उमा रानी बोल रही हूँ, कमिश्नर साहब से बात कर सकती हूँ? थैंक यू। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब, मैं एक जरूरी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े निषिद्ध साहित्य को मैंने छापा है और लोगों में बांटा है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई भाइयों को मैंने शरण दिया है, उनके काम के लिए धन देकर उनकी मदद की है। इन सब का आप अगर सबूत चाहते हैं तो वो भी मेरे पास है। मैं आपसे माफी नहीं मांग रही हूँ, बता रही हूँ कि आगे भी इस तरह का सरकार विरोधी काम मैं करती ही रहूंगी। आपको अगर लगता है कि कानूनन मुझे अरेस्ट करना आपका फर्ज है तो बेशक कीजिए, मैं खुशी खुशी जेल जाने को तैयार हूँ। इसमें एचआरएस की क्या बात है? Yes, मैं दस्तखत करके अपना जुर्म कबूल कर लूंगी। मैं खुद पुलिस स्टेशन आ जाऊं या आप किसी इंस्पेक्टर को भेज देंगे? Very kind of you. Thank you. मैं आपका दर्द समझ सकता हूं महारानी जी, मगर कोर्ट ने तो उसी के हक में फैसला दिया है, अब आप क्या करेंगे?
कोर्ट के फैसले से किसी का किसी पर हक नहीं बनता है। हक तो सिर्फ प्यार से बनता है। बेटी तू ही जरा बड़प्पन दिखा दे, अपनी छोड़ दे जरा उसकी। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनके साथ कभी नहीं रह सकती। मेरे लिए जिंदगी का मतलब आजादी है, गुलामी नहीं। बेटी हमारी परंपरा त्याग की है, इसीलिए हमारे देश का नाम ही त्याग भूमि है। त्याग? आप कहिए तो मैं किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार हूं, लेकिन ये त्याग सिर्फ स्वतंत्र रहने के लिए होगा, गुलामी सहने के लिए नहीं। पिताजी मैं डर कर रो कर नहीं जीना चाहती, मैं हंसकर हिम्मत से जीना चाहती हूँ, चाहे मुझे अपने प्राणों का ही क्यों न त्याग करना पड़े। वंदे मातरम, वंदे मातरम, पिताजी मैं खुशी से जेल जा रही हूँ, जब बाहर निकलूंगी हमारा देश आजाद होगा। लेकिन ये आजादी सिर्फ कौमी आजादी नहीं होगी, ये तो हर एक मनुष्य की आजादी होगी, जिसमें एक औरत को उतनी ही आजादी होगी जितनी एक मर्द को। गिरफ्तारी सिर्फ उमा रानी की ही नहीं हुई थी, बल्कि फिल्म त्यागभूमि को भी जब्त कर लिया गया था। हमें गर्व है कि 50 वर्षों के बाद आज हम इस फिल्म के नए संस्करण को आपके सामने पेश कर पा रहे हैं। பஞ்சமும் நோயுமில் மெய்யடியார்கோ பாரினில் மேன்மைகள் நெறினியார்கோ தஞ்சமடைந்த பின் கைவிடலாமோ தாயுந்தன் குழந்தையை தள்ளிட போமோ அஞ்சல் என்றருள் செய்யும் கடமையில்லாயோ ஆரியானியும் நின் அறம் மறந்தாயோ வெறும் செயல் அறக்கரை விடிடுவோனே வீரசிகாமணி ஆரிய கோனே வீரசிகாமணி ஆரியர் கோ